नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह, नेटवर्क ऑफ इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक हमारा नया शो चालू हो रहा है, स्मार्ट इंडियंस, जो कि आप हर दिन सुबह 9 बजे आपको ये एपिसोड दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा। इंस्पायरिंग और टैलेंटेड लोग से मिलेंगे हम, जो कि अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके और बहुत कुछ पाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यूनिक आइडिया होती है, ये सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो आज मैं आया हूँ एक्चुअली द क्विक लॉन्ड्री डॉट कॉम में एक्चुअली। तो चलिए आइए उनसे हम मिलते हैं। मिस्टर पीयूष शर्मा है, और उनकी ये आइडिया कहाँ से है, वो यंगस्टर है, वो कैसे शुरू किए हैं, ताकि आपको भी नॉलेज मिलेगा और आपको भी कुछ इंस्पिरेशन उनके बारे में मिलेगा, ताकि आप भी कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं कम पूंजी में। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। आपका स्वागत है इस शो में, स्मार्ट इंडियंस में। तो ये पीयूष जी, आप ये बताइए कि आप कैसे स्टार्ट किए बिजनेस, और द लॉन्ड्री डॉट कॉम कहाँ से आया, और क्या है इसका मतलब, कैसे आपने, कितने दिन से कर रहे हैं ये आइडिया? काफ़ी समय से चल रहा था, मन में था कि कुछ बिजनेस करना है, क्योंकि जब मैं शुरुआती दौर में आफ्टर ग्रेजुएशन में अपना जॉब स्टार्ट कर चुका था, जॉब करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, इन सारी जगहों पे मैं अपना वर्क कर चुका हूँ। तो ये सब करते करते एट लास्ट ये लगा कि यार अब खुद का कुछ करना है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सर्विस क्लास फैमिली से बैकग्राउंड करता हूँ। तो शुरू से ये होता है कि बंदा किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, हमारा बच्चा उसका अच्छा पैकेज हो, इन सारी चीज़ों से शुरुआत से ही सुनते आए थे। बट हमारा क्या है, विज़न अलग था थोड़ा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना बहुत अच्छी बात होती है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट क्या होता है कि मुझे एक जगह में बैठकर काम करना एक लाइफ टाइम, जब तक कंपनी मुझे बर्दाश्त कर सकती तब तक मैं वहाँ काम करूँ। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद की कंपनी क्यों ना इस्टेब्लिश कर लूँ, और मैं अपनी जितनी मेहनत मैं बाहर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कर रहा था, मैं उतनी मेहनत अपने लिए करूँ, ताकि वो आउटपुट जो कंपनी को मिल रहा है वो इनडायरेक्टली मुझे मिल जाए। कितना मुश्किल होता है कोई बिजनेस को चालू करना, एक मतलब एक नया चीज करना, मतलब एक मैं सपोज जॉब में हूँ और जॉब करते करते अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, बहुत लोग जो देख रहे हैं इस शो को वो भी चाहते कुछ बिजनेस करना और वो जॉब कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है, मतलब ये क्या इजी है जॉब से मूव करना बिजनेस पे, जॉब में बैकअप ना हो, हाँ आप आपको कोई मतलब कोई भी पहचान ना हो, या एग्जैक्टली या कोई नया आइडिया इन्वेंट करना हो, क्योंकि उस चीज के बारे जानना, फिर उसको डालना, रिस्क लेना, ये क्या ये इजी है? ईजी तो नहीं कह सकते हैं इसे, बट हाँ आप इस चीज़ को ईजी बना सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप अगर चलें आप। किसी भी चीज़ को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है डिपेंड करता है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको करना क्या है। आप किसी से भी बोलेंगे यार मुझे क्या करना है, तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, तू ऐसा कर ले, आज के डेट में मोबाइल हर दूसरे दिन लॉन्च होता है, यार मोबाइल शॉप डाल ले, क्लॉथ की शॉप डाल ले, मतलब जो भी चीज़ का बूम है वो चीज़ कर ले, तो मतलब उस जो नदी में बहाव है उस बहाव के साथ तू भी आगे चले जाएगा और बहुत अच्छा पोजीशन पाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, आप आज कुछ चालू कर रहे हैं तो आपको उसको फ्यूचर उसका क्या है ये देखना चाहिए, डिपेंड करता है उसके यूजेस क्या हैं। मोबाइल के बिना इंसान नहीं रह सकता, और आज कपड़ों के बिना भी इंसान नहीं रह सकता। बेसिकली ये कह सकते हैं कि लोग जो रहते हैं एडवाइस देने वाले बहुत रहते हैं, एडवाइस देने वाले रहते हैं, कई कई बार उनके एडवाइजेस क्लिक भी हो जाती है कि नहीं यार तुम ये चीज़ करो, और हमको भी लगता है कि हाँ मेरा इसके पीछे कुछ है लगा हुआ है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, यार अच्छी चीज़ है, ये भी होती है लाइफ में। बट क्या होता है, कभी कभी इंसान कहीं बाहर जाता है, कुछ नई चीज़ें देखता है, बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग ये सब फॉरेन से आई है, लोग बाहर जाते थे देखते थे यार ईजी टू मूव है, ईजी चीज़ें हैं सारी चीज़ें, तो बाहर से लोग लेके आते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं, तो वो कब कौन सी जगह में कौन सी चीज़ें क्लिक हो जाए ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बंदे की सोच पे कि वो चाहता क्या। तो चलिए आइए आपका हम श्योर जो जो
कारोबार के उसको देखते हैं जी बिल्कुल, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है एक्चुअली इसको? इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड करता है कि आप कितना ह्यूज कर सकते हैं, कितना स्टार्ट से, कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। इससे आप ये विदाउट मशीनरी भी हो सकता है, ये मशीनरी भी हो सकता है, मशीनरी छोटी भी होती है, मशीनरी बड़ी भी होती है, डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, या आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कम से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो भी मिनिमम हम मिनिमम आपको कम से कम नहीं तो 15-20 लाख रुपीस का एक बजट होना चाहिए, जो सिर्फ आपको मशीनरी सपोर्ट में आना और चीज़ें रेंट पे लेना, उसके बाद उसका आपको डिपॉजिट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें में सब सब आ जाता है। फिर रॉ मटेरियल्स भी होते हैं जो उसमें लगते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बहुत इंपोर्टेड केमिकल्स हैं जो कि आज की डेट में इतनी महंगी महंगी जो ब्रांड्स हैं उनको उनका बहुत अच्छा केयर कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मिला के इनमें थोड़ा सा रहता है, बट आप इसे बैंक के थ्रू लोन ले सकते हैं और या तो आपका कोई पुराना कैपिटल हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये बताएंगे थोड़ा क्या क्या काम? जी हाँ, ये हमारे यहाँ ये लॉन्ड्री मशीन है, वॉशर एक्सट्रैक्टर एग्जैक्टली कहते हैं इसे। ये वॉशिंग मशीन जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं सिमिलर उसी तरह का है, बट ये क्या है, ये एक बड़े रूप में है, इसके फीचर्स अलग हैं, इसका इसकी मशीन्स की और इसके मोटर्स में जो पावर है की कैपेसिटी वो अलग है। मतलब ये 20 केजी की मशीन है, 20 केजी कपड़े मीन्स अगर आप देखेंगे तो 1 केजी में आप मान के चलें तो 4 शर्टें आती हैं, तो 80 शर्ट आप एक बार में इसमें वॉश कर सकते हैं, वो भी विद इन हाफ एन आवर आप इसमें वॉश कर सकते हैं। वॉश होता है, वॉश होने के बाद इसमें पानी निकलता है काफ़ी, मीन्स कहना चाहिए निचोड़ता है इसमें, और इसका फिर वहाँ काम ख़त्म हो जाता है। आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप इसमें किसी भी तरह के कपड़े धो सकते हैं। ये है लॉन्ड्री, एग्जैक्टली लॉन्ड्री मशीन। आप देख रहे हैं इसके अंदर ब्लैंकेट डले हुए हैं। ये अप्रॉक्स क्या प्राइस का होगा? अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता है, ये केजी वाइज 10 केजी से स्टार्टिंग है इसकी, 10 केजी से स्टार्टिंग है इसकी, और ये अपना 100-150-200 केजी तक भी आता है, जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे लगता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 4 लाख समथिंग कुछ है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ अलग है, तो केजी वाइज इसका डिफरेंस होता है, केजी बढ़ा देंगे तो थोड़ा रेट बढ़ जाता है, मोटर्स वगैरह उसमें काम आती है। तो यहाँ सारे कपड़े धुलते हैं, ये पार्ट हमारा लॉन्ड्री का पार्ट, वही मैंने आपको जो बताया कि ड्राई क्लीन और लॉन्ड्री में क्या अंतर था, तो ये लॉन्ड्री का पार्ट चल रहा है। इस लॉन्ड्री के पार्ट में नॉर्मली आप होटल्स के कपड़े, अपने नॉर्मल रिटेल के कपड़े, आप अपने टेंट वगैरह के कपड़े, रेलवेज वगैरह जितने प्रकार की जो लॉन्ड्री कर सकते हैं वो सारा चीज़ रखता है। तो ये लॉन्ड्री का पार्ट है हमारा। यहाँ से निकलने के बाद जब अगला जो पार्ट होता है ये होता है ड्रायर का पार्ट। अच्छा, इस ड्रायर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर हम कोई भी कपड़े जनरली धोते हैं और उसे धूप में सुखाते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें होने का डर है, एक तो आपका कलर फेड होने का डर है, दूसरा आपका श्रिंक होने का डर, ये दो चीज़ें आती हैं। और कपड़े में वो मतलब जो उसका फैब्रिक है उसका फील भी नहीं आता, डायरेक्ट सन रेज है। ये मशीन उस चीज़ में बहुत काफ़ी कामगर है। एक तो ये मतलब जैसे बरसात का मौसम या ठंड का मौसम जब गर्मी कम होती है तो ये बहुत जल्दी आपके कपड़ों को सुखा देता है। सेकेंडली ये चीज़ है कि इसमें सन रेज वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें फैब्रिक का जो एक शाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है, तो ये आपके क्लॉथ का बहुत टेक केयर करता है। ये 25 केजी की मशीन है और बहुत ही कामगर है, मतलब हमने लोगों को 2-2 घंटे में लॉन्ड्री करके भी दिया हुआ है। बेसिकली ये लॉन्ड्री का ड्रायर है, इसमें सारे कपड़े ड्राई होते हैं, वॉशिंग के बाद ड्राइंग होता है। एग्जैक्टली प्रोसेस तो हमारा ऐसा है कि कोई भी कपड़े आते हैं, कपड़ों में स्टेन होता है, स्टेन होता है तो उस स्टेन को निकालने के लिए हम ब्रशेज यूज़ नहीं करते हैं, हमारे पास स्पॉटिंग मशीन है, उस मशीन के थ्रू हम अपना जो भी दाग है वो अपना एयर के प्रेशर और प्लस स्टीम के प्रेशर से रिलीज करते हैं। उसमें अगर ब्रश मारते हैं हम किसी भी फैब्रिक में तो उसके अंदर का रेशा होता है वो टूटता है, तो कभी छेद हो जाता है, कभी कोई धागा निकलता है उसे हम खींच देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती, और आपका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ही रहता है। तो वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन हो जाता है कि वो लॉन्ड्री का है या ड्राई क्लीन का है।
जनरली बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं, मतलब लोगों के एक नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो ड्राई क्लीन नहीं हो सकता, फिर भी लोग उसे ले लेते हैं और ड्राई क्लीन करते हैं। बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडेंस के साथ होता है। अगर कोई चीज़ ड्राई क्लीन नहीं हो सकती तो हम उसे ये कहते हैं कि सर ये आपका लॉन्ड्री होगा, अच्छा ये लॉन्ड्री करेंगे सर, ये लॉन्ड्री होगा। तो उन वो कहते हैं यार वो दुकान वाले ने तो ड्राई क्लीन किया। तो हम किसी के बारे में नहीं बोलते कि वो क्या करता है, हम क्या होता है जो एग्जैक्टली जो चीज़ है वही करते हैं। हम भी वॉश करके उसे ड्राई क्लीन के नाम दे के उसको कर सकते हैं। बट लोगों में और हमारे में डिफरेंस बिटवीन क्या रह जाएगा? तो ये एक डिफरेंस है हमारे में और दूसरों में। जो चीज़ है वही चीज़ है। एक शर्ट, एक एलन सोली की शर्ट है, उसको अगर कोई बोलता है कि भैया इसके आप लॉन्ड्री कर दीजिए, तो हम उसको ये सजेस्ट करते हैं सर बहुत अच्छा फैब्रिक है, और दूसरी चीज़ इस फैब्रिक में आप इसे ड्राई वॉश कराएंगे तो इसकी शाइनिंग अलग रहेगी। तो फिर अगला बोलता है कि नहीं यस ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा कौन सा फैब्रिक है और इसमें कैसा वर्क होगा। इसका अप्रॉक्स ये भी 25 केजीज का, ये भी हैवी केजीज में आता है, इसका भी अप्रॉक्स वही है 4-5 के आसपास का ये। ये सर हमारा ड्राई क्लीन, ये मशीन की जितनी तारीफ कर ले उतनी कम है। ये मशीन डायरेक्ट जर्मन से पोर्ट के थ्रू आई हुई है, और ये जो मशीन है इसमें ड्राई क्लीन होता है, हमारे शहर में अभी कहीं नहीं है। ये ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, हालांकि यही कॉन्सेप्ट था कि ड्राई क्लीन का एक मशीन होना चाहिए, और लॉन्ड्री का कॉन्सेप्ट तो उसके साथ ऐड हो गया। तो ड्राई क्लीन बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, पूरा ऑटोमेटिक है, सारे फैब्रिक के लिए अलग अलग इसमें प्रोग्राम डले हुए हैं, और केमिकल्स के थ्रू ही वॉश होता है। वाटर का इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, वाटर इसमें नहीं? हाँ जी, वाटर का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। 10 kg की मशीन है ये। अब 10 kg कपड़े जैसे आपने ये पहना हुआ है तो 10 kg कोट आप एक बार में इसमें वॉश कर सकते हैं। तो ये आपको एक घंटे में आपको धो के सुखा के सारा कुछ करके देता है, मतलब इसके बाद इसका कोई और पार्ट नहीं है। ये सिंगल है, वन मैन आर्मी कह सकते हैं इसे, और ये सारी चीज़ें बहुत ही बखूबी करता है। मतलब ऑयल, ग्रीस और ये सारी चीज़ें जो ऐसे दाग जो निकल नहीं पाते हैं वो इसमें डालने से। इसका क्या अप्रॉक्स? इसका ये है, ये काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि ये जर्मन से ही पूरा इस तरह से पोर्ट के थ्रू आई है, पूरा पैकिंग होके आई थी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 to 18 के अंदर में आपको पड़ती है, क्योंकि यही थोड़ा बजट जो आपका है वो थोड़ा सा मूव करती है, बट ये काम भी वैसा ही करती है। और काफ़ी मतलब मुझे सबसे मेरी सबसे फेवरेट है। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करना क्या इजी है? हाँ इजी है, क्योंकि ये इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, डिपेंड करता है आप सेमी ऑटोमेटिक ले रहे हैं या फुली ऑटोमेटिक ले रहे हैं। हमने फुली ऑटोमेटिक का इसलिए हमने इसको फर्स्ट चॉइस मानी, क्योंकि कोई भी यूज़ कर सकता है, इजी टू यूज़ है, वर्क करता है। आप इसे चालू कर देंगे, एग्जैक्टली प्रेस नॉर्मल ही प्रेस है, बट क्या होता है यहाँ पे अब अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी एक कपड़े को, एक कपड़ा देना उसको, जैसे सपोज ये कपड़ा, हम जनरली इसे प्रेस करने के लिए नॉर्मल प्रेस करते हैं, बार बार इस तरह से करते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नीचे आपको एक पैडल दिया रहता है जो कि वैक्यूम पैडल है। ये आप इसको करके अगर जब इसको करते हैं तो ये सक कर लेता है, और उसके बाद आप इजीली इसे प्रेस कर सकते हैं, इजीली प्रेस कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आप, इसमें जैसे उस बटन को पुश करते हैं तो आपको स्टीम बाहर निकलती है। ये हाँ, इसको प्रेस करेंगे, एक सेकंड ओके, ये स्टीम है, स्टीम का आप सुन सकते हो। ये स्टीम से अगर जब प्रेस करेंगे आप तो इतना अच्छा प्रेसिंग होता है, ये प्रेसिंग है काफ़ी अच्छा। आपका यूनिक आइडिया लगा क्या आपको? ऐसा नहीं लगा मतलब जो लॉन्ड्री का काम थोड़ा डिफरेंट है, धोबी वाला काम? हाँ धोबी वाला काम, ये सबसे अच्छी बात पूछी आपने, धोबी वाला काम
एग्जैक्टली मैंने कभी आज तक जब भी मुझे थॉट आया तो कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये धोबी वाला काम है, या मैं काम शुरू करूंगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलेंगे अरे क्या धोबी कब आया, कैसे तू आजकल बहुत कपड़े धो रहा है, इस तरह की बातें होती है। मेरे मन में कभी ऐसा आया नहीं था, बट काम जब स्टार्टिंग दौर पे था तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा हुआ। तो मैंने ये चीज़ मतलब एक थॉट रहता लोगों का, तो मेरा एक थॉट था यार ये जिस दिन मेरे दोस्त मुझे बोलने लग गए ना लगेगा उस दिन मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि हर इंसान का काम ही उसका नाम उसकी पहचान बनता है, और ये काम अगर मेरी पहचान बन गया तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो ये था मेरे मन में, लेकिन मैं कभी ऐसा मेरे इतना प्रेशराइज नहीं था मैं कि यार मेरे को कौन क्या बोलेगा क्या नहीं, मुझे ये था मुझे जो करना है एक करना है बस करना है, वो कोई क्या बोलता उससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि अभी तक टचवुड मैं इतना सक्सेस नहीं हूँ कि लोग मुझे ऐसा बोलना शुरू नहीं किया, मैं जिस दिन मुझे बोलना शुरू कर देंगे उस दिन मुझे लगेगा हाँ मैं सक्सेस हो गया। सही है मिस्टर पीयूष शर्मा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको भी इनसे नॉलेज लेना है तो मैं इनका .com नंबर व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, कोई भी अगर आप नॉलेज ले सकते हैं इनसे इजीली, और आप तो मदद करेंगे अगर कोई कोई भी आइडियाज़ अगर मशीन कहाँ से खरीदना हो या फिर जो भी आइडियाज़ है ये प्रॉपर आपका हेल्प करेंगे, और कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको लगा कि यहाँ पे नहीं बताए हैं आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके इनसे, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मिस्टर पीयूष, आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलकर सर, और ये सारी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह के चैनल्स चला रहे हैं और लोगों तक इतनी नॉलेज पहुंचा रहे हैं लोगों को, मतलब ये कि यंगस्टर्स लोगों के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि उनके पास कहीं किसी भी प्रकार से कहीं से भी नॉलेज हो रही है, और उनके एक क्या कहना चाहिए उनको एक इनका पावर उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने पे उनके आप मदद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें कि आप मतलब एक जगह में बैठे हुए कई लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा है ग्रेजुएशन हो गया है MBA हो गया है क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, तो कहीं ना कहीं आपने मुझसे पूछा था कि कहाँ से ये चालू हुआ, तो आप भी वही एक तरह का एक जरिया है जो लोगों को आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज ऐसा जो क्लिक हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। थैंक यू सो मच, और स्मार्ट इंडिया की तरफ से इनको एक सैल्यूट देते हैं हम आप लोग की तरफ से जो ये काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे ये सारी बातें शेयर करके। सो गाइज आपको ये शो कैसा लगा, पीयूष शर्मा से मिलके कैसा लगा, उनके आइडियाज़ को लेके कैसा लगा, तो कोई भी ऐसी बातें आप पूछ सकते हैं तो आप इस शो के बारे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और अगर कोई भी आपके पास कुछ भी ऐसा सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए हमको बताइए, और कहानी संघर्ष की वो आते रहेगा, उसका शूट चल रहा है तो बहुत जल्द वो आते रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअली हम जैसा कि आपको बताया है कि हम एक एरिया में इसको सेट कर रहे हैं एक प्रॉपर एरिया, तो वो चल रहा है ऑनगोइंग है, बट ये शो हर दिन 9 बजे सुबह आएगा, मिस मत कीजिए। स्मार्ट इंडियन, बाय गाइज, सी यू सून।